घर घर की शान है हमारा वेस्टीज राइस ब्रांड ऑयल, क्योंकि देखो मार्केट में आप बड़े से बड़े ब्रांड बीकानेर हल्दीराम किसी के ऊपर भी आप चले जाओ, अभी आप कहीं पे क्वालिटी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज सब लोग कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगा बेचना है, प्रॉफिट बहुत कमाना है, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी लोग चीजें यूज कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांड्स को छोड़ दिया जाए और मीडियम पे चला जाए तो प्लस, और अगर हाई ब्रांड भी वो यूज कर रहे हैं तो रीफ्राइंग तो वो कर ही रहे हैं ना, तो कितने भी अच्छे से अच्छा ऑयल है अगर वो उसको 2 बार 3 बार 4 बार चढ़ा रहे हैं बड़ी कढ़ाई में और उसी में रीफ्राई कर करके हमारे लिए मिठाइयां भुजिया बन रही हैं, तो आप मुझे बताओ क्या वो हेल्दी होंगी? नहीं होंगी ना। क्यों होली पे के बाद अक्सर लोगों के पेट खराब होते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है, लोग बीमार हो जाते हैं? उसका मेन कारण यही है, एक तो मिलावटी मावे वाली मिठाई, और ये जो रीफ्राई होके जो चीजें मटरी नमक वाले सब मिलते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो वेस्टीज ने हमें कितना हेल्दी कुकिंग ऑयल दिया है, जिसके करके अगर हम थोड़ी सी मेहनत घर पे कर ले तो हम हेल्दी और टेस्टी मिठाइयाँ और स्नैक्स बना सकते हैं। आरबीओ हमारा क्यों बाकी तेलों से ज्यादा अच्छा है और क्यों हमको अपने सारे पकवान आरबीओ में बताने हैं, तो इसकी यूएसपी कुछ बता देती हूँ आपको। सबसे पहली बात, ये फिजिकली रिफाइंड है, ये केमिकली रिफाइंड नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो मार्केट में हमें और आरबीओज मिलते हैं और रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं, पहली बात तो रिफाइंड ऑयल को यूज करना ही नहीं है। आरबीओ यानी कि राइस की भूसी से बना हुआ तेल, जो कि बहुत हेल्दी होता है, वो भी दो तरीके का होता है, फिजिकली और केमिकली रिफाइंड। तो जो केमिकली रिफाइंड होते हैं वो आपको सस्ते मिल सकते हैं, जैसे कि 150 रुपए लीटर, जैसे कि 125 रुपए लीटर। आपने देखा होंगे कि 1 लीटर के जो पैकेट्स रहते हैं वो सब केमिकली रिफाइंड है, वो फिजिकली रिफाइंड नहीं है। ये हमारा फिजिकली रिफाइंड है, इसलिए ये हमको 200 कितने का पड़ता है, 225 रुपीज लीटर। बट मैं आपको बता दूं, अच्छी मस्टर्ड ऑयल जो यूज करते हैं येलो मस्टर्ड ऑयल, वो भी अगर आप बेस्ट क्वालिटी लेने जाते हैं तो वो भी 250 रुपए लीटर ही है। राइट? तो महंगा कहीं से नहीं है, ये बहुत इकोनॉमिक है। सेकंड, 7 लेयर्स में रिफाइन करा गया है। अब आप बोलोगे कि जब मार्केट में 100 रुपए लीटर का है तो हम 225 रुपए लीटर का क्यों लेंगे? रीजन है कि ये 7 लेयर्स में रिफाइन किया गया है, यानी कि जितनी ज्यादा लेयर्स में ही रिफाइन किया जाता है उसकी उतनी इसकी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, अगर मान लो एक छलना लेके, एक अगर लेमेन भाषा में समझाऊं, एक मोटी सी छलनी लेके आपने कुछ निकाला तो उसमें कूड़ा भी आएगा, लेमेन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। लेकिन अगर आप 7 लेयर्स लगाते हो अच्छी तरह से तो हर तरह की इम्प्योरिटीज हट जाएंगी और आपके पास एक प्योर एक्सट्रैक्ट आएगा। आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो समझने के लिए। नंबर 3, 100% ये प्योर है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं डाली गई है जो आपके हार्ट को या किसी भी तरह से हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ओराइजिनॉल। ओराइजिनॉल की मात्रा इसमें 1350 मिलीग्राम पर 100 ml है और ये बहुत अच्छी मात्रा है। और ओराइजिनॉल में लेमन भाषा में बताऊं, दिल का दोस्त, जिस भी ऑयल में ओराइजिनॉल है तो समझ लीजिए वो आपके हार्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो ये हमारे आरबीओ की यूएसपी है। राइट? और इसमें एक चीज और होती है, ई आर बी, जो कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो मेडिसिन में भी पाया जाता है और बीपी पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है ब्लड को पतला रखना। तो हमारे राइस ब्रेन ऑयल में ऑलरेडी ERB है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा आरबीओ हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए गुजिया मठरी नमक पारे सेल सब इसमें ही बनेंगे। और एक बार तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे देसी घी डालते हैं मोइन में, तो मैंने इसको भी डाला था तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। मोइन के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, देसी घी के साथ मिक्स करके भी और प्योर भी, तो बहुत सॉफ्ट कुरकुरे बनते हैं और स्मेल भी नहीं आती। राइट? उसके बाद ये रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। मजे से गुजिया खाओ, फ्लैक्स खाओ, होली से रिलेटेड प्रोडक्ट बता रही हूँ कि गुजिया खाओ और इसमें बना के, और साथ में लेकिन फ्लैक्स और एलोवेरा जरूर खाओ, तो ना तो गैस बनेगी और ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और रिड्यूस करेगा हमारे आरबीओ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, इंक्रीज करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल को। और इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन ए और D2। विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी को समहाउ ये अगर इस ऑयल में खाना बनाओगे तो धीरे 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 वो आपको कमी को दूर करेगा। और विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, सबको पता है, तो ये उसके ऊपर भी काम करता है। तो देखो ये कितना बड़ा हीरो है, ये मल्टीपर्पज है हमारा। थैंक यू लता मैम। एंड हीटिंग पॉइंट ज्यादा है इसका। अब देखो सस्ते और महंगे तेलों का जो फर्क होता है, हीटिंग पॉइंट ज्यादा है, उससे क्या होता है कि हम इसको मैक्सिमम 3 बार तक रीयूज कर सकते हैं, ये ट्रांसफैट में कन्वर्ट नहीं होता। जो सस्ते तेल होते हैं ना, आप उनको रीयूज नहीं कर सकते, वो उसके बाद ही तो आप देखोगे कलर भी चेंज हो जाएगा उनका, थिक भी हो जाएंगे वो, और उसके अंदर वो क्या होती है, वो ट्रांस
फैट होती है, आप उसको दूसरी बार तल के खा तो लोगे कि लालच में फेंका तो जाता नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि कितना ज्यादा उसके अंदर ट्रांसफैट आ चुकी है और वो अंदर जाके कितनी मोटी लेयर ब्लड उसकी कोलेस्ट्रॉल की जमाने वाली है, प्लाक की जमाने वाली है हमारी वेन्स के ऊपर। तो हमेशा प्लीज चूज करें राइस ब्रैन ऑयल, क्योंकि इसका हीटिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, तो इसको 3 बार तक आप रीफ्राई कर सकते हो। तो जैसे सपोज जैसे मैं पकौड़ी बनाई या ब्रेड रोल बनाए, तो उसको फिर छान के एक अलग कंटेनर में रख लिया और फिर उससे आप पराठे बना सकते हो और उसको लेकिन जल्दी यूज कर लो, पराठे बना लो या फिर उसमें कोई सब्जी वब्जी छौंक के उसको फटाफट से आप खत्म कर लो, रखे भी मत रहो, मतलब उसको 3 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हो अगेन। एंड इट इज लेस एब्जॉर्बेंट, ये फर्क हमारे गेस्ट ने भी नोटिस किया, जिनके घर में मस्टर्ड ऑयल में ही पूरियां बनती हैं वो लोग उसको हीट अप करके रख लेते हैं, मतलब पूरा धुआं निकाल के उसके बाद पूरियां बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। उन्होंने स्पेशली बोला कि भाई ये पूरियां बहुत अच्छी है क्योंकि ऑयल फिंगर पे आ ही नहीं रहा था, तो ये फर्क उन्होंने खुद देखा। और मैंने भी देखा कि जब मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड है उनको थोड़ा सा है इश्यू, तो कभी कभी उनके सामने मस्टर्ड ऑयल में अगर हम तल भी दें तो ये फर्क होता है, बहुत ज्यादा ऑयली होता है लेकिन इसमें बहुत क्रिस्पी और नॉन ऑयली होता है, ये फर्क आता है। टिश्यू पेपर के ऊपर भी ये कम, तो ये कम एब्जॉर्बेंट होता है, ये ज्यादा कढ़ाई में ही रहता है, खाने में ये कम जाता है। एंड और इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ, ये इसमें है फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें कैंसर तक जैसी भयंकर बीमारी से बचाते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी आरबीओ के अंदर डाले गए हैं जो कि इतनी भयंकर बीमारी से भी आपका बचाव करते हैं, यानी कि अगर अच्छी चीजें खाएंगे पिएंगे तो बुरी बीमारियों को हम दूर रखेंगे। एंड इट कंटेन्स सम विटामिन, जैसे कि विटामिन ई ऑल्सो, जो कि आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है, राइट। और ये लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ऑयल है आरबीओ। अब ये लीवर से कैसे कनेक्ट करता है ये हमारे साइंटिस्ट जानते होंगे, बट ट्रेनिंग से कहती है कि अगर आप आरबीओ का यूज करते हैं तो आपके लीवर को भी हेल्दी रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें इतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस करके वो लीवर की हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं, राइट। क्योंकि खाना हेल्दी बनेगा तो लीवर को ऑटोमेटिकली अपना काम कम करना पड़ेगा, इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, तो कुछ हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ऑस्टियो ऑर्थोराइटिस एंड माइग्रेन और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को लिए हुए है हमारा राइस ब्रैन ऑयल। ये सब ट्रेनिंग्स कहती हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ये ट्रेनिंग्स कहती हैं, ये ट्रेनर्स कहते हैं। और ये सारी ट्रेनिंग्स जो होती हैं ये बिल्कुल एविडेंसेस के ऊपर होती हैं, ऐसे ही नहीं बना दी जाती हैं। हमारा हर प्रोडक्ट जो SGSC से हलाल से सर्टिफाइड होता है, तो वो उसके जो पूरे क्वालिटी चेक्स होते हैं, तो जो फैक्ट्स होते हैं वो सच में फैक्ट्स होते हैं। तो आप सोचो कि आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनके ऊपर के आपके फैक्ट्स भी आप उसमें चेक कर सकते हो कि हाँ ये बातें सच है, वरना लिखने को तो कोई कुछ भी लिख सकता है, बट हमारे जो ये फैक्ट्स हैं वो एविडेंस बेसिस है। तो आई थिंक इतनी चीजें बहुत हैं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि क्यों हमें अपनी हैप्पी होली मनानी है आरबीओ के संग। सबको इतने फैक्ट्स बहुत है ना, वैसे तो सभी फैन है, बट इसके बाद और जिसको कुछ भी डाउट होगा या कोई नया यूजर होगा तो वो आरबीओ को जरूर यूज करेगा। तो आरबीओ एक डोर ओपनर हो सकता है होली में नए यूजर्स बनाने के लिए, अपने घर पे बुलाओ, अपने हाथ की गुजिया उजिया खिलाओ और बताओ कि राइस ब्रैन ऑयल में बनाई है, तो ये एक डोर ओपनर भी हो सकता है, राइट। और एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको कि जो हमारा हीटिंग पॉइंट होता है ना हमारे आरबीओ का, वो हाईएस्ट होता है, और हाईएस्ट हीटिंग पॉइंट वाले जो ऑयल होते हैं ना वो भी होता है। उसका एक कारण होता है कि उसको रीफ्राई कर सकते हो, और सेकंड उसका कारण होता है कि उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो आजकल हम गैस पे जो खाना बनाते हैं वो उससे मैच हो जाता है। पहले जमानों में नहीं होते थे चावल की भूसी के, पहले जमाने में सिर्फ सरसों का तेल होता था। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में खाना भी तो लकड़ी के चूल्हे पे या फिर अंगीठी पे बनता था ना, तो वो मैचअप होता था। बट आज क्योंकि हम LPG के दौर में हैं, हम इंडक्शन के दौर में हैं, तो वहां पे हीटिंग पॉइंट्स जो होते हैं LPG के 135 डिग्री से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होते हैं। अब अगर उसके ऊपर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड के हीटिंग पॉइंट के सरसों के तेल को हीट अप करोगे तो उसमें डेफिनेटली ट्रांसफैट बनेगा हीट अप होके, बट क्योंकि इसका जो हमारा हीटिंग पॉइंट है वो 232 है, तो ये LPG के साथ मैच कर जाता है और हीट अप होने पे ट्रांसफैट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है कि आरबीओ हमारे आज के दौर का बेस्ट ऑयल है।